हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से आप कैसे हटा सकते हैं रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह को ब्लैक लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं नंबर को ब्लैक लिस्ट से, कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से कैसे हटा पाएंगे बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन सब ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको बैक करके फ़ोन आइकन्स पे चले जाना है। तो फ़ोन आइकन्स पे जाते हैं, तो इस पे जाकर कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से ऐड कर सकते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं नंबर्स को। देख सकते हैं कैसे रिमूव कर पाएंगे नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से। तो सिंपली आपकी सेटिंग से शो हो रही है, तो कोई भी नंबर जैसे आपका ब्लॉक हो रखा है, यहाँ से भी ब्लॉक है आपका नंबर जैसे कोई भी, तो उसको आप यहाँ से भी अनब्लॉक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके से हटा पाएंगे। और आपको यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलता है ब्लैक लिस्ट सेटिंग्स में, तो सिंपली यहाँ से आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाकर भी आप नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा पाएंगे और रिमूव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ से भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ब्लॉक के नंबर सेटिंग्स पे जाते हैं और ये नंबर आपका जैसे ब्लॉक हो रखा है, तो कुछ इस तरीके से ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हो, नंबर आपका ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा, जिससे कॉल्स वगैरह आपके इस नंबर पर आने लगेगी। तो इस तरीके से भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं, और ब्लैक लिस्ट में भी आप नंबर्स को करना चाहें तो कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।